भाई उमरान अगर अपनी स्पीड से गरज रहे हैं, उमरान अगर अपनी स्पीड से गरज रहे हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये पाकिस्तान वाले इन पे क्यों बरस रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स नेस्ट। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा पांडे। देखिए, उमरान मलिक स्पीडस्टर, जम्मू एक्सप्रेस उमरान मलिक लगातार जिनको 150 से ऊपर की स्पीड से बॉल डालने में महारत हासिल है, जिनका मुरीद हर कोई है आजकल, जिनकी रफ्तार का हर कोई मुरीद है, फिर चाहे आप वो डेल स्टेन की बात कर लीजिए, फिर चाहे अगर आप वो ब्रेटली की बात कर लीजिए, सब इनकी तारीफ करते हैं। और शायद यही वजह है कि महज 23 साल की उम्र में इनको इंडिया खेलने का मौका मिल गया। जम्मू से आते हैं, आईपीएल में धमाल मचा चुके हैं, आईपीएल की सेकंड फास्टेस्ट बॉल डाल चुके हैं, टीम इंडिया में इनका इसी साल, मतलब अब तो खैर 23 आ गया, पिछले साल हम बात करें 2022 में डेब्यू हुआ था आयरलैंड के खिलाफ, तब से और अब तक ये थमे नहीं, ये रुके नहीं। और अब भैया हालात ऐसे आ गए हैं कि वर्ल्ड कप 2023 में भी लोग कह रहे हैं इनको स्क्वाड में हिस्सा दो, इनको हिस्सा मिलना चाहिए, ये काबिलियत है इस खिलाड़ी में, इनको हिस्सा दो, बड़े बड़े खिलाड़ियों के बीच में एक इस खिलाड़ी को भी मौका मिलना चाहिए। तो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार हमें इंप्रेस कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा जब भी हमारे खिलाड़ियों की तारीफ होती है, खासकर उमरान की स्पीड की बात होती है, तो इनको इनके शोहेब की स्पीड याद आ जाती है इनको, इनके बिल्कुल स्पीडस्टर, इनके जो खुद के जो स्पीडस्टर है शोहेब अख्तर, उनकी जो है स्पीड याद आ जाती है, तिलमिला जाते हैं बेसिकली पाकिस्तान वाले। ऐसे ही अब सोहेल खान ने उमरान मलिक के ऊपर लगातार टिप्पणियां करते हुए नजर आते, लेकिन एक ऐसी टिप्पणी जो है अब सोहेल खान ने उमरान मलिक को लेके कर दिया, तो क्या कुछ वो टिप्पणी है, चलिए जानते हैं। सोहेल खान तिल मिलाए। देखिए, सोहेल खान कहते हैं कि मुझे लगता है कि उमरान मलिक एक अच्छा गेंदबाज है, मैंने उसे एक दो मैच देखे हैं, वह तेजी से भागता है और अन्य चीज़ों पर भी ध्यान देता है, लेकिन यदि आप 150 से लेकर 155 किलोमीटर प्रति घंटे वाले गेंदबाजों के बारे में सोचते हैं, तो मैं उन 12 से 15 खिलाड़ियों का नाम गिना सकता हूँ जो इस समय टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। यदि आप लाहौर कलंदर्स की ओर से आयोजित ट्रायलर्स में जाएंगे तो आपको कई खिलाड़ी मिल जाएंगे, इससे उमरान मलिक जैसे तो बहुत हैं, घरेलू क्रिकेट भरी पड़ी है हमारी। उसके बाद अगर देखिए शोएब अख्तर से जब कंपैरिजन की बात आती है, तो ये कहते हैं कि सिर्फ एक चीज़ है जो शोएब अख्तर के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है, वो है बॉलिंग मशीन, इंसान ऐसा नहीं कर सकता, इसकी वजह शोएब की मेहनत है जो किसी से नहीं की है। वे एक सप्ताह में 32 चक्कर यानी 32 चक्कर लगाते थे, जबकि मैं सिर्फ 10 ही राउंड कंप्लीट कर पाता था। तो देखा आपने किस तरीके से सोहेल खान को मिर्ची लगी है, शोएब अख्तर के कंपैरिजन से मिर्ची लगी है, और मिर्ची लगी है कि भैया क्यों हिंदुस्तान का ये खिलाड़ी आगे बढ़कर मेहनत कर तेज रफ्तार से बॉल डाल रहा है। फिलहाल आप कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि सोहेल खान का ये तिलमिलाहट क्यों है, क्यों पाकिस्तान हमेशा इनको मिर्ची लग जाती है, जब भी उमरान मलिक बढ़िया गेंद करते हैं, जब भी उमरान मलिक काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्यों इनको मिर्ची लग जाती है। साथ ही साथ हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो यार वीडियो को अपना प्यार दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और स्पोर्ट्स नेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिए।